आना अग्रवाल और आप देख रहे हैं क्रेजी आना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ पहुंची हूँ त्रिनगर की सबसे फेमस बेकरी SFB कुकीज पे। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ की वाइब्स बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एकदम ठंडा ठंडा एसी चल रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह भी की हुई है बहुत अच्छी। तो मेरे को तो सब अच्छा लगा, मैं आपको बताती हूँ। इतना सुंदर से डेकोरेट कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। बाहर से भी डेकोरेट कर रखा था। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ यहाँ की वैरायटी खाने पीने की। एंड यहाँ पे मैं कुकीज से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी कुकीज है, टेस्टी दिख रही है एकदम, बहुत बढ़िया। तो चलो भैया से पूछते हैं कुकीज के बारे में। एक रागी बिस्किट लाना। भैया आपके यहाँ पे कुकीज की क्या वैरायटी है? हमारे पास यहाँ पे वैरायटी मिलती है, आटे में मिलेगी, मैदे में मिलती है, बेसन में मिलती है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ बेसन में कौन सी नमकीन, मीठे बिस्किट, सारी चीज़ें मिलती है हमारे पास। जैसे नमकीन में देखिएगा चमेली हो जाएगा, नमकीन फूल हो जाएगा, इस तरीके से आप एक बार ये रागी बिस्किट टेस्ट करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे भैया की सबसे अच्छी कुकी ये वाली है, रागी कुकी, और ये बड़ी हेल्दी है। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। यम्मी, बहुत टेस्टी है, एकदम क्रिस्पी सी, बहुत बढ़िया लग रही है। और मेरे को कुकीज ही बेस्ट लगती हैं, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अब भैया से पूछते हैं उनके पास ड्राई फ्रूट्स में क्या वैरायटी है। भैया आपके पास ड्राई फ्रूट्स में क्या वैरायटी है? ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास बिस्किट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आटा देखिए, स्पेशल बेसन देखिए, शाही बादाम देखिए, एंड मिल्क काजू, काजू पिस्ता, बटर काजू, खटाइयों में भी देख लीजिएगा हमारे पास। खटाइयों में दो तीन काफ़ी तरह की हैं हमारे पास खटाइयाँ। कोकोनट खटाई हो गई, बड़ी खटाई हो गई, बेसन में ये हमारी ये छोटी खटाई हो गई, केवड़ा फ्लेवर हो गया। के पास कुकीज़ में तो बहुत सारी वैरायटी है। तो चलो आप भैया से पूछते हैं केक में क्या वैरायटी है भैया के पास। भैया आपके पास केक में क्या वैरायटी है? केक में हमारे पास काफ़ी तरह के केक्स हो जाते हैं, जैसे आप देखिएगा हमारे पास इधर देख लीजिए काउंटर पे लगी हुए हैं। फर्स्ट नंबर ट्रफल है, मर्ड है, लाटे है, लाइक चॉकलेट एंड बटर स्कॉच, इसमें एक चॉकलेट किया जाती है, ब्लैक फॉरेस्ट एंड पाइन एप्पल एंड मिक्स केक। और ये देखिए आपको कस्टमाइज़ कराना हो उन केकों के बारे में, अगर आपको कस्टमाइज़ कराना हो उन केकों के बारे में, तो कस्टमाइज भी हो जाते हैं। जैसे आपको फोटो केक बनवाना हो, अपनी फोटो लगवाने तो वो भी बना सकते हैं। यूनिकॉर्न बनवाना हो, शुगर केक में बनवाना हो, तो वो भी बना देते हैं जी हम। एंड हैंगिंग केक भी हमारे पास। अच्छा, हैंगिंग केक देखना चाहोगे तो मैं हैंगिंग केक। हाँ, हैंगिंग केक बहुत बढ़िया एकदम, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं आपको दिखाता हूँ। भैया आपका सबसे स्पेशल केक कौन सा है? केक में तो वैसे हमारा स्पेशल केक आपका रस मलाई बेस्ट है, उसमें तो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा यमी है। और इस केक के लिए हम सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन भी बनाया हुआ हैंगिंग केक। हैंगिंग केक में सबसे अच्छा बनाया बेस्ट ऑप्शन करते हैं, जैसे बॉम केक हो गया, हैंगिंग में हो गया, हैंगिंग केक में छोटे हैंगिंग केक ये देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है हमारा हैंगिंग केक में। इसमें देखिएगा आप लाइट शो होती है, इसके अंदर केक रखा जाता है बिल्कुल, जैसे ये ओपन हो जाएगा इस तरीके का हैंगिंग केक हो जाएगा, इसमें केक लगा के फिर उसे सेट कर दिया जाएगा। तो ये आपका हैंगिंग केक है, किसी की जो मैरिज वगैरह होगी उसमें एकदम बढ़िया लगेगा। और ये इसके ऊपर जब हमने केक रखा था वो गिरेगा नहीं? आप देख सकते हैं बेस है ये, जो बेस है ये बेस पे हम टिका हुआ होता है, जो बोर्ड वगैरह बोर्ड जो टिका हुआ है बिल्कुल बीच में होल होके एकदम ये मतलब लगाया जाता है, केक उस पर हैंगिंग हो जाता है, आराम से कंफर्टेबल हो जाता है उस पर रखने से। और जो हम कट करने में आएगा कट करने में बहुत ही अच्छा आ जाएगा, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे के पर्पज से, अपने कप के जैसे कुछ भी कर सकते हो उस टाइप पे हैंगिंग केक होता है। एंड इसमें लाइटें भी लगती है जी, तो ये तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा लाइट्स वगैरह लग के। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं नमकीन सेक्शन पे। तो चलो भैया से पूछते हैं उनके पास नमकीन में क्या क्या वैरायटी है। भैया आपके पास नमकीन में क्या वैरायटी है? नमकीन में जैसे हमारे पास स्नैक्स आइटम आ जाती है, जैसे मट्टी नमक आ जाते हैं, वेफर्स आ जाते हैं। आप नमकीन में स्नैक्स आइटम और भी देख लीजिए, मेरे पास काफ़ी सारी नमकीनें लगी हुई हैं ये देखिए इस तरफ से, जैसे हमारे पास नवरत्न प्लेन से बीकानेरी, एंड हमारे पास और ये देखिए हमारे यहाँ का बादाम लच्छा, जिसमें बादाम का भी किशमिश वगैरह सारे कुछ हो जाता है इसके अंदर, इसे हम फास्ट मिल्क का। हाँ जी,
तो ये यहाँ पे हैम्पर है, इसके अंदर आप अपनी पसंद का जो भी आपको डलवाना है, इसके अंदर कुकीज, नमकीन और जो भी आपको चीज़ें डलवानी है आप वो डलवा के किसी को गिफ्ट कर सकते हो। कोई किसी का बर्थडे हो या किसी की एनिवर्सरी हो तो उसमें भी गिफ्ट कर सकते हो। चलो भैया से पूछते हैं हैम्पर के बारे में। भैया आपके पास हैम्पर हमारे पास अंदर में काफ़ी तरह की वैरायटी आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो बास्केट देख सकते हो इसमें, जिसमें आप कोई भी आइटम अपनी पसंद से चॉइस करवा सकते हो। हमारे पास एक कॉम्बो शक्ति एक कॉम्बो आता है, कॉम्बो में दिखा सकते हैं आपको, कॉम्बो अपनी मर्जी से कुछ भी बनवा सकते हो। हम सारे कस्टमर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हैंगिंग कर मतलब हैम्पर बना के दिखाते हैं एकदम। एक मैं हैम्पर मंगा एक हैम्पर मंगाता हूँ आपके लिए, वो देख लीजिएगा। तो ये आपका कॉम्बो है, जैसे ये कॉम्बो है हमारा, कॉम्बो में आप देखिए अपनी मर्जी से कुछ भी डलवा सकते हो, जैसे बिस्किट्स हो जाएगा, स्नैक्स आइटम हो जाएगा। हाँ जी, और बिस्किट्स, नमकीन, स्नैक्स आइटम आपकी चारों तरफ से देखिए एकदम, इसमें नेट लगा रखे कम्प्लीटली ओके कर रखा है। बिल्कुल आपकी जो मर्जी हो, चॉकलेट बिस्किट डलवा सकते हो, कुछ भी काजू पिस्ता हो गया, जिसमें आप कुछ भी डलवाइए। बिल्कुल जी, हाँ जी केक भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं स्नैक्स सेक्शन में, तो चलो वहाँ उधर तो डोनट भी है, मेरे फेवरेट डोनट, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। ओ ये कितना यूनिक है, कुल्लड़ पिज्जा, वाओ। कुल्लड़ में आज तक मैंने सिर्फ लस्सी देखी थी, आज पिज्जा भी देख लिया। ओह माय गॉड, और भैया ये क्या है? ये पनीर हॉट डॉग है जी, पनीर हॉट डॉग। पनीर हॉट डॉग, इसमें तंदूरी सॉसेज होती है इसके अंदर, वेजिटेबलों की, और पनीर होता है इसमें जी। ये लो, ये ब्राउनी है, चॉकलेट में ब्राउनी होती है जी इसके अंदर। हाँ जी, और भैया के पास यहाँ पे सैंडविचेस भी हैं, रियल सैंडविचेस, वाओ, और डाइट सैंडविचेस, वाओ। भैया के पास बहुत सारे, तो मैंने आज तक सिर्फ कुल्लड़ में चाय पी है और लस्सी पी है, और इसमें तो पिज्जा भी है, तो चलो भैया से पूछते हैं इसमें क्या स्पेशल है। भैया ये कुल्लड़ पिज्जा में क्या स्पेशल है? आप इसे टेस्ट करोगे ना, एकदम जो पिज्जे का जो असली देसी मजा आता है वो कुल्लड़ पिज्जे में ही आता है। हम जो इसे खाएंगे ना नाम तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने आज तक लस्सी पी है, चाय पी है कुल्लड़ में, पर आप तक कभी किसी ने मतलब कुल्लड़ में पिज्जा नहीं खाया, बस पिज्जा खा के देखिए बहुत माइंड ब्लोइंग इसका टेस्ट आ जाता है जी। भैया ये तो बड़ा यूनिक है, मतलब भैया फ्रेंड्स अब हमने यहाँ की वैरायटी भी देख ली, अब देखते हैं हम क्या ट्राई करेंगे। भैया से पूछते हैं आपके क्या सबसे टेस्टी चीज है और वही ट्राई करेंगे। भैया यहाँ की सबसे टेस्टी क्या चीज है, हम वही ट्राई करेंगे। सबसे टेस्टी सारी चीजें होती है, बट आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई आप रेड वेलवेट करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो फ्रेंड्स मेरी पेस्ट्री आ चुकी है, तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है भैया, सही कह रहे थे, बहुत टेस्टी पेस्ट्री है, और ये मेरी फेवरेट भी है, मतलब बहुत टेस्टी पेस्ट्री है यहाँ की। तो फ्रेंड्स ये बहुत सॉफ्ट पेस्ट्री है, और इसकी जो ब्रेड है अंदर की वो भी बहुत सॉफ्ट है, और इसके ऊपर जो क्रीम डाल रखी है वो बड़ी अच्छी है, और ये रेड रेड गार्निश किया हुआ इसके ऊपर, तो मतलब बहुत टेस्टी पेस्ट्री, ट्राई में हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भैया आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? एक हफ्ता हो गया। अच्छा, आप यहाँ की आपको क्या चीज सबसे टेस्टी लगती है? पेस्ट्री। अच्छा पेस्ट्री, और तो भैया आपको पेस्ट्री का टेस्ट कैसा लगता है? बढ़िया। अच्छा आपकी यहाँ की आपको वाइब्स कैसी लगती है? एकदम अच्छे। अच्छा आपको एक ही जगह पे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, और यहाँ पे एक मेन बात की मतलब यहाँ पे सब कुछ एगलेस है, कुछ भी एग नहीं डला हुआ किसी चीज में, और तो और यहाँ पे एकदम टेस्टी टेस्टी पेस्ट्रीज और इतना सब कुछ मिलता है। तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी यहाँ पे मतलब आप आए तो प्लीज यहाँ से मतलब जब भी
भी किसी का बर्थडे हो तो यहाँ पे आके आप केक ले सकते हैं। ऐसा भी कुकीज से ही लेके जाए पेस्ट्रीज वगैरह। और यहाँ का स्टाफ जो है बड़ा कोऑपरेटिव है और यहाँ की वाइब्स एकदम पॉजिटिव है, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, जब मेरे 1 मंथ हो गया था चैनल को, तब मैंने यहीं से केक लिया था। जब वुमेंस डे था तो मैंने मम्मा के लिए भी यहीं से केक लिया था। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो ज़रूर करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। फ्रेंड्स, एक बात तो मैं भूल ही गई आपको बताया कि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो जब 300 हो जाएंगे तो मैं यहीं से केक लेके जाऊंगी।